फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने YouTube वीडियो में टैक्स लगाना चाहते हो यानी कि जो YouTube वीडियो में टैक्स लगाते हैं जिससे ही अपनी वीडियो जो है उसको बूस्ट मिलता है यानी कि जो भी कीवर्ड सर्च करते हैं उसी से अपन को बूस्ट मिलता है लेकिन अगर आप अपनी YouTube वीडियो में टैक्स नहीं लगाते हो और आप टैक्स लगाना चाहते हो कि आपको नहीं पता है कि कहाँ से इसको फाइंड आउट करना है और कहाँ पर इस टैक्स लगाते हैं YouTube वीडियो में तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट एंड तक तो देख लेना क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको यूट्यूब वीडियो के लिए टैक्स को फाइंड आउट करना होगा और कहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना होगा पूरा इस वीडियो में बताऊंगा और फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहां पर मैं मोबाइल हो के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको क्या करना है आपकी जो वीडियो का टॉपिक होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स को फाइंड आउट करना होता है अब वो आप किस तरीके से करोगे उसके लिए आपको सिंपल आपको क्या करना है यूट्यूब के एप्लीकेशन को ओपन करना है और यूट्यूब के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में अभी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जैसे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट की वीडियो बना रहा था तो यहां पर मैं सर्च करूंगा हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट तो यहाँ पर हाउट टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे टैक्स आ जाते हैं अब यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली टेम्परेली यानी कि काफी अलग अलग, अलग तरीके के यहाँ पर टैक्स आ जाते हैं अब यहाँ से अपन कॉपी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अपन को क्या करना है आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लेना है जैसे मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया है स्क्रीन शॉट लेने के बाद में अब वापस आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के मतलब कि अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम डिलीट कैसे करें इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें तो यहाँ पर आपको सिंपल सर्च कर लेना है जो भी आपके टैक्स आते हैं उनको सिंपल स्क्रीन ले लेना है स्क्रीन लेने के बाद में अब आपको क्या करना है आपको यहां पर प्ले स्टोर को ओपन करना है मोबाइल में जो आपका प्ले स्टोर होता है उसको सिंपल ओपन करना है और यहां पर आपको कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन लिखकर सर्च करना है जैसे आप सर्च करते हो तो ये वाला एप्लीकेशन आपको मिलेगा कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन इसको सिंपल इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड एक गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है है सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक क्लिक करना इस करने के बाद में जो अपन लिया था उसको सिंपल आपको ले लेना है स्क्रीन शॉट को लेने के बाद में जो टेस्ट आपको दिख रहे हैं इनको सिंपल सेलेक्ट करना है इस तरीके से आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए सेलेक्ट करने के बाद में आपको राइट क्लिक कर देना है राइट क्लिक करते ही जो आपके स्क्रीन पर टेक्स्ट थे ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे टेक्स्ट में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्ट हो चुके हैं पूरे टेक्स्ट में आ चुके हैं अब इनको इसका इस तरीके से कॉपी नहीं करना है आपको यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो उनके बीच में कॉमा लगा देना है यहाँ पर आप देख सकते हो तो सारे को मैं कोमा लगा देता हूँ जैसे यहाँ पर हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट एक टैग ये हो गया इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया कॉमा लगाने के बाद दूसरा जो टैग है हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली इसके बाद में भी आपको क्या करना है आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है इस तरीके से यानी कि सारों पर आपको कॉमा लगा देना है कॉमा लगाने के बाद में आपको क्या करना है आपको यहाँ पर कॉपी दिया हुआ है तो सिंपल आपको कॉपी कर लेना है सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद में यहां पर से आप टैक्स को हटा भी सकते हैं जो आप चाहते हो कि इस टैक्स को मैं नहीं लगाना चाहता तो उस टैक्स को आप हटा भी सकते हैं तो यहां से आपको सिंपल कॉपी करना है अब कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है आपको अपने जो मोबाइल का ब्राउजर होता है उसको सिंपल ओपन करना है और ओपन करने के बाद में यहां पर आपको सर्च करना है वाई टी स्टूडियो तो यहां पर देख सकते हो वाइटी स्टूडियो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यूट्यूब स्टूडियो की वेबसाइट यहां पर आ जाती है अब जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपन सीधा रिडाइट हो जाते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो के एप्लीकेशन में तो उससे बचने के लिए आपको क्या कर करना है यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और ओपन इन यू टाइप इन ग्रुप कर देना है ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका यूट्यूब स्टूडियो की जो साइट है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगी नए ग्रुप में तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है ये मेरा दूसरा चैनल है तो अभी यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो ले लेता हूँ यानी कि आप चाहते हो कि इस वीडियो में टैक्स लगाना चाहता हूँ तो उस वीडियो को सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा तो सिंपल आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है पेंसिल के आइकन पर क्लिक करते जो आपकी वीडियो थी ना उसका एडिट सेक्शन ओपन हो जाता है एडिट सेक्शन का मतलब है कि आप उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा सकते हो यानी कि टैक्स भी लगा सकते हो अब टैक्स लगाने की आपको क्या करना है आपको नीचे स्कूल करना है और यहाँ पर आपको टैक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा टैक्स के ऑप्शन में आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी अपने टैक्स कॉपी किए थे ना वो सारे यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक ही लाइन में आ चुके हैं के बाद में पर आपको एंटर करना है एंटर करते ही ये देख सकते हो आप एकदम सिक्वेंस में पर लग चुके एकदम तरीके से पर टैक्स लगने के बाद में यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो सिंपल आपको सेव कर देना है जैसे आप सेव कर देते हो तो आपकी जो वीडियो है उस टैक्स पर रैंक करेगी जो भी इस टैक्स को सर्च करेगा यूट्यूब में तो आपकी जो वीडियो है उस पर रैंक करेगी अगर उस पर अच्छा एंगेजमेंट मिलता है तो आपकी वीडियो टॉप पर आ जाएगी यानी कि फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी जिससे आपके व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियो में टैक्स लगा सकते हो बड़ी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से इसको कॉपी करना है किस तरीके इसको पेस्ट करना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सारा कुछ आपको मैंने बता दिया तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू